वेलकम टू आवर चैनल ज्ञापन एकेडमी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स का 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के 10 तक। खुद को और तरीका दोनों को बदलो, रिजल्ट आपका खुद पर खुद बदल जाएगा। इस बार आपको चैलेंज है 95+ आपको नंबर मैथमेटिक्स में लाना है। आपको मेहनत इतना जबरदस्त करना है और वो हम है ना कराएंगे आपसे मेहनत। एक बार बाबू आपको मेहनत करना है खुद के लिए, आपका रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त होगा। कमजोर वक्त होता है इंसान नहीं, और बिना मेहनत का कोई इंसान महान नहीं। जो भी आप पर हंसते थे वो लोग आपका रिजल्ट देखेंगे। इतना जबरदस्त मेहनत करना है। उन लोगों के कहे हुए बातों को दिमाग में सेट करके रख लीजिए बाबू। जितना दिमाग में रहेगा ना, अंदर से गुस्सा और जुनून दोनों आएगा कि दिखा रहे हैं इस बार रिजल्ट ला करके। ये दिमाग और दिल में जिस दिन फिट कर लीजिएगा, आपका रिजल्ट उस दिन बहुत ही जबरदस्त आएगा। तो फिर हम लोग बिना देर किए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन गौर से देखिएगा, 4 नंबर क्या कह रहा है। देखिए किस तरह से घुमाया, कह रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए, यानी कि एगो एपी दे दिया है। कितना दे दिया है? एपी, यानी 9 है, 17 है, 25 है, इसके आगे ऐसे बढ़ते गया है। और जहाँ तक बढ़ा है, ठीक है, अगर उतना को जोड़ा गया है, योग किया गया है, तो कितना आ रहा है? 636। अभी पता नहीं कि कितना तक बढ़ा है, तो जब नहीं पता है और उसको जोड़ना है, तो जोड़ना है तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन कौ को जोड़ना है, 5 को, 10 को, ये पता ना है। लेकिन जितना को जोड़ा गया है कितना है? 636। अब नहीं पता है तो लिख दो n को जोड़ा गया है। s n का मान कितना दिया है? 636 दिया है। a बराबर कितना दिया है? 9 दिया है। और d बराबर 17 में से 9 को घटा दो तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब जब ए पता है, डी पता है, तो निकालना है कितने पद होंगे, माने एन का मान निकालना है। तो वही एस एन का फॉर्मूला लगाइए। यहाँ से देखिए एस एन बराबर क्या होगा? एस एन बराबर होता है एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, यही है। एस एन कितना दिया है? 636 बराबर एन बाई टू, टू ए का मान 9 प्लस एन माइनस वन, एन तो नहीं दिया ना, डी दिया है 8। यहाँ हो जाएगा, गुणा कीजिएगा तो कितना होगा? गुणा भी कर सकते हैं आप, ठीक है, या फिर एक काम करते हैं 636 लिख देते हैं, n बाई टू, 9 दुना 18 और प्लस ये हो जाएगा 8n और माइनस में 8 हो जाएगा, ठीक है। 636 बराबर n बाई टू, 18 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा? 10 प्लस में 8n, ठीक है, इस हिसाब से आपका हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, ये जब आप गुणा भी कर सकते हैं, यानी तो ये तिरछा तिरछी गुणा कर दिए। जब तिरछा तिरछी गुणा कीजिएगा तो कितना होगा? 6 दुना 12 के दोनों हाथ में 1, 3 दुना 6, 1, 7, 6 दुना 12 बराबर, इधर क्या बचेगा? n 10 और ये हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा 8n। अब देखिए 12 72 बराबर ये हो जाएगा 10n माइनस 8n स्क्वायर। 12 72 इसमें से कॉमन कुछ लीजिए, कॉमन मिलेगा 2 का पहाड़ा, तो 2 का पहाड़ा कॉमन है तो 2 5 10 और 2 4 8 हो जाएगा। यहाँ प्लस है दोनों जगह, 2 से ये कटाइएगा तो हो जाएगा 2 6 12, 2 3 6 और 2 6 12, 636 फिर आया। यहाँ बचा क्या? 636 इज इक्वल टू ये बचा 5n और प्लस में बचा 4n स्क्वायर। ये इस तरह से बचा, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो थोड़ा सजा के लिखिएगा। पहले 4n स्क्वायर लिखिए, फिर ये कम हो जाए, हो गया यहाँ पे 5n और फिर ये माइनस में हो जाएगा 636। इस हिसाब से आपका हो गया। अब इसको फर्स्ट इंटू लास्ट पे जब तोड़िएगा तो इसको गुणा किया जाता है। 636 इंटू 4, 6 4 24 के 4 हाथ में 2, 4 3 12 और कितना हो जाएगा? 12 और 13 14 के 4 हाथ में 1, 6 4 24 एक 25, 25 44। ये दोनों को गुणा किए तो 25 44 है। अब इसको गुणा किए तो आया 25 44। इसको ऐसे दो हिस्सा में तोड़ना है कि उस दोनों हिस्सा को घटाया जाए तो 5 आ जाए, फिर गुणा किया जाए दोनों को तो ये 25 44 आ जाए। तो इसका गुणन खंड कर दीजिए, 2 से हो जाएगा 2 1 2, 2 2 4, 2 7 14, 2 2 4, फिर 2 6 12, 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से कटाइएगा तो 2 3 6, 2 1 2 और 2 8 16 हो जाएगा, ठीक है। 2 3 6, 2 1 2, 1 चला गया, 2 8 16, 2 से कटाइएगा तो कितना होगा? 2 1 2, यहाँ पे बचा कितना? 1, तो हो जाएगा 2 5 10, ठीक है, 1 बचेगा, 2 9 18। अब ये 3 से कटाइए, 2 से नहीं कटेगा, 3 5 15 और 3 3 9
कितना आया 53 आया, 53 हो गया ना। एगो रख लीजिए 53, एगो ही सब मिला के एगो हिस्सा बना लीजिए, सब मिला के मतलब 2 × 4, 4 × 8, 8 × 2 = 16, 8 × 16 = 48, एगो 48 रखिए, एगो 53 रखिए, 48 में से ये 53 में से 48 जाएगा तो 5 बच जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा 4n² यहाँ पे रखिए प्लस नहीं माइनस में यहाँ 48n और यहाँ पे प्लस में रखिए 53n और माइनस हो जाएगा ये 636। यही दोनों को तोड़े हैं तो एक ये आया और एक ये आया। फिर यहाँ देखिए अब दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, 4 का पहाड़ा मिल रहा है और n मिल रहा है, तो यहाँ एगो n बचेगा और माइनस कितना हो जाएगा 4 × 4, 4 × 2 = 8। यहाँ 53 कॉमन निकालिएगा तो क्या बचेगा, n माइनस में 12 बचेगा। एगो बाहर वाला लिखिए 4n प्लस 53, एगो अंदर वाला लिखा जाता है तो n माइनस 12। आपको एक चीज़ बताए थे हम, क्या बताए हैं, बराबर में 0 डाल दीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है 0, तो इधर नहीं आगे डालिए 0। अब देखिएगा एक बार इसको 0 के बराबर करते हैं, तो जब लिखेंगे 4n प्लस 53 बराबर 0 तो ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, इसका मतलब कि यही माइनस में आंसर आएगा, तो जो माइनस में आएगा वो हम सॉल्व नहीं करेंगे। ई वाला देखिए, ई वाला है n माइनस 12 बराबर 0, तो n बराबर जाएगा माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में 12, ई वाला हम लिखेंगे, यानी n का मान कितना हो गया 12। अब n का मान 12 आ गया, माइनस वाला हम लेंगे नहीं, तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, इसमें क गो पद को जोड़िएगा कि कितना आ जाएगा 636, तो n बराबर 12, यानी 12 n का मतलब पद होता है कितना पद, तो यहाँ पे nवां पद बोला जाता है, तो 12 गो पद जोड़ने के बाद आएगा तो 12वां पद कितना होगा जोड़ने पर 636, तो 12 हो जाएगा आंसर। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, तो बिना देर किए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ये क्या कह रहा है, 5 में यहाँ पे कह रहा है किसी एपी का प्रथम पद, प्रथम पद मतलब एपी सजा है, पहला पद को ए कहते हैं, प्रथम पद यानी 5 है, अंतिम पद, अंतिम पद ए एन को कहते हैं, कितना है 45 है, और उस अंतिम तक का योग यानी एन तक का योग तो ये हो जाएगा एस एन, कितना दिया है 400 दिया है। अब बोल रहा है क्या कि पदों की संख्या, पदों की संख्या मतलब क्या, क गो पद है यानी एन क गो है, तो एन नहीं पता है तो एन निकालना है, इसमें भी n नहीं पता है इसमें भी, उसके बाद सार्व अंतर d को बोलते हैं, d भी निकालिए, यही तो करना है, तो n निकालना है, पहले जो दिया है उस पर काम करते हैं, a n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 45 बराबर a 5 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अब d हमको पता नहीं है तो d छोड़ दो, 45 एक काम करते हैं ऐसे, ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 45 माइनस 5 बराबर एन माइनस 1 इंटू डी, 45 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 40 बराबर हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे किसी एक का मान जबरदस्ती निकाल लेते हैं, डी का मान निकालो, तो डी का मान निकालना, इसको यहीं पे छोड़, इसको भेज दो इधर, तो ये आ जाएगा बट्टा में, तो 40 और बट्टा एन माइनस 1 ये डी, डी का मान जहाँ भी बोलेगा यही भर देना है, ठीक है। अब क्या निकालना है, हमको निकालना है ये वाला एस एन वाला फॉर्मूला लगाओ, एस एन जो जो दिया है वही फॉर्मूला लगाते हैं, एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाई टू, और फिर होता है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एस एन कितना है 400 है, एन बाई टू, एन ए तो निकालना है नहीं पता है, यहाँ 2a का मान दिया है आपको प्रथम पद 5 और प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना दिया है, तो डी का मान आपको यहाँ पे देखिए ये वाला D का मान दिया है आपको। अच्छा एक और आप काम कर सकते हैं, E वाला D मत निकालिए, एक काम ऐसे कीजिए आप ना, इसका मान निकालिए तो इधर बट्टा में भेज दीजिए, तो 40 अब बट्टा D को भेज दीजिए, D को ऐसे भेज दीजिए, यहाँ क्या बचेगा n माइनस 1 बचेगा, और इसका ये जहाँ रहेगा ना वहाँ 40 बट्टा D भर दीजिएगा, तो यहाँ वही भरिए ना, यहाँ पे 2a हो गया और प्लस ये वाला हिस्सा है, ये है एन माइनस 1, एन माइनस 1 की जगह पे क्या भरना है, यहाँ पे भर दीजिए आप 40 बट्टा डी, और यहाँ पे डी ऑलरेडी एक पॉले से है, डी से डी का हो जाएगा खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 × 800 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई के हिसाब से, बराबर एन इंटू ये कितना हो जाएगा 10 + 40, 8 × 00 बराबर 10 × 40 कितना होता है 50 हो जाएगा, 50n, 1 0 से 1 0 खत्म, 5 से कटेगा 5 × 1 = 5, 6 × 7 = 8, 3 बचा 5 × 36, n बराबर कितना आ गया 16, जब n बराबर 16 आ गया तो आप एक काम कीजिए ना, किसका मान
एन बराबर 16 यानी टोटल कौन को पद है 16 को पद है, तब 16 को जोड़िएगा तो 400 आएगा। अब डी निकालना है तो 16 को निकालिए, ले जाके किसी में भर दीजिए। आप एक काम कीजिए ना, इसी में ले जाके भरिए या फिर इसमें ले जाके भरिए, किसी में भरिएगा डी का मान निकल जाएगा। एन का मान 16 भरना है, यहाँ समीकरण एक मान लीजिए, एन का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है यहाँ पे आप सही से लिख लीजिएगा, एन क्या है यानी 40 बराबर एन माइनस वन इंटू डी, 40 बराबर एन का मान है 16 माइनस वन और ये डी 40, 16 में से एक जाएगा तो होगा ये 15 डी, कटाइएगा ये 5 से कटाइए 5 यही 15 पंचवटे 40, ये हो जाएगा 8, ये बट्टा में आ जाएगा तो हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा डी, डी का मान आ गया 8/3। तो इसका स्क्रीन शॉट लीजिए, डी का मान 8/3 और एन का मान 16। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको बहुत ही आसान तरीका से समझ में आया होगा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास टेंथ का मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज जो है 5.3 का, जो हम लोग योग पढ़ रहे हैं, मतलब जोड़ने का काम क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बड़ी आसान तरीका से देखते हैं, यहाँ समझिएगा। कह रहा है किसी एपी, कोई एपी है उसका फर्स्ट टर्म यानी पहला वाला को ए कहते हैं, दिमाग में रखिएगा। फर्स्ट टर्म कितना है यानी ए बराबर, यहाँ से देखिए ए बराबर आपका दे दिया है 17, ठीक है। और अंतिम अंतिम पद को दो नाम से जानते हैं, एक ए एन भी कहते हैं या फिर एक एल भी कहते हैं, कितना दिया है 350। देख लीजिए पहला वाला लाइन से तो सजा होता है, उसे एपी कहते हैं, फर्स्ट में दिया है 17 और लास्ट में दिया है 350, लेकिन ये पता नहीं है कि फर्स्ट में दिया है 17 लास्ट में 350 तो बीचवा में कौ गो नंबर है, सब मिला के कौ गो नंबर है ये नहीं पता है। तो लेकिन सार्व अंतर दिया है, सार्व अंतर माने होता है डी, डी का मान कितना दिया है 9 दिया है, यहाँ देखिए डी के मान। और कितने इसमें कितने पद होंगे, 17 से लेकर के 350 के बीच में कितना पद होगा, जबकि कितना कितना का अंतर हो जाए, 17 के बाद 9-9 गो का अंतर करके लिखना है, ठीक है। सार्व अंतर दिया है, कितना पद को बोलते हैं एन, एन नहीं पता है, उसके बाद से इसका योग माने एन जितना भी है ये एन नंबर पे है, तबे तो इसको सबको तो ए कहते हैं ना एन नंबर पे, आई सब का योग, तो योग को कहते हैं हम लोग, योग को कहते हैं एन, एस एन भी निकालना है, योग बोला है तो ये वाला बोला है आपका और कितना पद बोला है। अब देखिए जब ये निकालना है तो बहुत आसान है, कैसे, पहले जो दिया रहेगा उससे निकालेंगे ए एन, यही ना दिया है, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन कितना है 350, ए कितना है 17 प्लस एन, नहीं पता है छोड़ दीजिए, बेचारा नहीं पता है तो उसको छोड़ देने में ही भलाई है, 350 ये 17 उतार दीजिए प्लस, ब्रैकेट के साइड में जो भी होता है वो पूरा गुणा करता है, पता है ये ब्रैकेट रखवाली करता है दोनों का, इसीलिए देखो इस घर का रखवाली 9 करता है, तो अंदर जाएगा तो ये दोनों के पास जाएगा तो ये हो जाएगा 9n, और 9 में 1 से गुणा करोगे तो 9, 350, 17 में से अगर आप घटा लेते हैं 9 तो ये आपका बचेगा 8 बचेगा, अब प्लस 9n, एक जात को एक जगह भेजिए, नंबर को नंबर, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, 350 माइनस 8 बराबर 9n, ये घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 300 आपका हो जाएगा 42 यानी 42 और ये 9n, 9 से कटाइए जाएगा 9 तेरी 27, इसमें से 34 गो 27 को कट गया तो कितना बचा 7 को बचा, 7 हो जाएगा 72, 9 8 72, n बराबर 38, टोटल कौन को पद था जो सजाए थे हम लोग, 38 गो पद है, अब उस 38 को जोड़ना है, तो जब 38 को जोड़ना है तो एस 38 निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए, एन बाई टू ए प्लस एन, ये जब दिया है तो यही यूज करते हैं, एन का मान 38 है तो 38 और बट्टा में 2, और ए का मान दिया है 17 और प्लस ए एन का मान दिया है 350, ये कटाइएगा तो हो जाएगा कितना 19 हो जाएगा, यहाँ पे 90 उतार दीजिए और ये हो जाएगा, दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 367, 1900 से 133 के 3 हाथ में 13 बचा, 19 तक 114 और 13 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 13 दूना 26 127, 127 के 7 हाथ में हो जाएगा 12 और ये 19 दिया 57 और 12, 7 2 9 और 6
69, आपका इतना हो जाएगा 6973, आपका क्या हो जाएगा एस 38 हो जाएगा, योग हो जाएगा। तो इसका लीजिए स्क्रीनशॉट और फिर बिना देर किए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बहुत आसान है, कह रहा है एपी है, एपी का प्रथम 22 पद, प्रथम 22 पद का मतलब होता है प्रथम से लेके 22 तक क्या करना है, योग करना है, माने जोड़ना है, कब जोड़ना है, प्रथम 22 गो को सम करना है, यही निकालना है, ठीक। आगे बोला जिसमें डी बराबर क्या दे दिया है 7, 22वां पद जो लास्ट वाला है ना, जैसे एक नंबर दो नंबर, 22वां पद 22 नंबर पे कितना लिखा है 149 लिखा है, मतलब ए 22 नंबर पे क्या दिया है 149 दिया है। आपको बताए थे तरीका, हम क्या बताए थे कि पहले जो दिया रहेगा वही फॉर्मूला भरते हैं, ये मत सोचिए कि ये निकालना है हम इसी का भरेंगे जो निकालना है फॉर्मूला, नहीं, जो पहले दिया है वो भरिए ना, कुछ निकलेगा, देखिए क्या निकलेगा, ए 22 का फॉर्मूला जब भरिएगा तो फॉर्मूला का ट्रिक में ए प्लस 22 को है ना, तो यहाँ 21 डी लिखिए, क्या कि 21 गो डी आएगा, दोनों मिला के 22 को हो जाएगा कि नहीं, तो 21 डी हो जाएगा। अब देखिए ए 22 कितना दिया है, ए 22 आपको दिया है 149 बराबर, ये हो जाएगा ए प्लस, ए तो दिया ही नहीं है लेकिन 21 डी का मान दिया है, डी का मान कितना है 7 है, 149 बराबर ए प्लस 7 एकम 7 और 7 दूना 14, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 149 माइनस 147 बराबर ए, घटाइएगा तो हो जाएगा ये 2, ए बराबर निकल गया कितना 2, पहला वाला पद निकल गया ए, ए को प्रथम पद कहते हैं, ठीक है। अब निकालना है एस 22, आराम से निकाल सकते हैं एस 22, फॉर्मूला एन बाई 2 क्या होता है ए प्लस ए एन वाला भर दीजिए। अच्छा कभी बड़ा कभी छोटा क्यों भर रहा है, क्योंकि वहाँ ए एन दे दिया है, 22 को जोड़ना है ना, तो ए 22 भी दे दिया है यहाँ पे, 22वां पद यहाँ पे देखिए तो दे दिया है, इसीलिए हम भर रहे हैं। एस 22 निकालना है, 22 एन का मान 22 बटा 2 और ए का मान तो हम निकाल लिए 2 और प्लस ए एन कितना है 149 है, ये कटेगा 11 हो जाएगा, 149 और 2 कितना होता है 151 होता है। अब ये गुणा कीजिए, 11 एकम 11 के एक हाथ में एक, 11 पचे 55 और एक 56 के 6, 5 बचा 11 एकम 11 और 5 16, यही आपका हो गया एस 22, 22वां पद जोड़ा गया तो 1661 है। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, मज़ेदार लगा है तो बिना देर किए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आ रहा है कि उस एपी के 51 पदों का योग, जैसे योग बोले तो समझिएगा एस निकालना है, एस में कौन नंबर वाला है, इस तो 51 पद का योग, 51 गो को जोड़ना है, एस 51 यही निकालना है, ठीक है। जब आपको ये निकालना है यहाँ देखिए, और उसके बाद से कह रहा है जिसका दूसरा और तीसरा पद 14 और 18 है, दूसरा पद कितना है A2 कितना है, तो दूसरा पद है 14 और तीन नंबर वाला पद यानी कि A3, तीसरा पद कितना है 18 है, ये दे दिया है। अब बोला है कि एस 51 निकाले, आप थोड़ा सोच के देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई नंबर एक नंबर पे कुछ रख दो, लेकिन दो नंबर पे कितना है 14 है, तीन नंबर पे कितना है 18 है, ऐसे करते करते टोटल 51 गो लिखा गया है, 51 गो को जोड़ना है वही निकालना है एस 51। ये तो आपको पता नहीं ना है तो ए निकालते हैं, लेकिन डी पता है, क्या करते हैं डी निकालने के लिए, इसमें से इसको घटा दो डी निकल जाएगा, डी निकालना है तो क्या करेंगे 18 में से 14 घटाओगे आगे वाला नंबर से पहले वाले नंबर, तो डी बराबर कितना आ गया 4 आ गया, डी निकल गया मेरा 4। लेकिन एक चीज नहीं निकला है, वो क्या नहीं निकला है, तो हमको मतलब ए नहीं पता है फर्स्ट टर्म में, वो भी निकल गया, मान लीजिए कि यहाँ 18 है, ऐसे कीजिएगा तो यहाँ क्या आएगा 14, फिर 4 को, 4 का ना अंतर है, फिर 4 को घटाइएगा तो क्या निकल जाएगा ए, यानी आप चाहें तो ए बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं 10, क्या लिख सकते हैं 10, दिमाग लगाइए क्या करना है, कैसे एपी किसे कहते हैं आप बताइए, एपी किसे कहते हैं, एपी जो लाइन से सजा हो और बीच का अंतर बराबर हो, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए 4 की जरूरत है, तो यहाँ से यहाँ अगर जाना होगा ना तो 4 की जरूरत पड़ेगा, यानी हर जगह 4 4 का, यानी 4 गो बढ़ा है तो पहले 10 होगा तभी तो आगे गया तो 4 गया है, तो डायरेक्ट निकालना सीखिए ताकि आपको मेन जो निकालना है वो मिल जाए, ए बराबर डायरेक्ट क्या हो गया 10 हो गया, दूसरा और तीसरा पद दे ही दिया है। अब डायरेक्ट निकाल दीजिए क्या एस 51, फॉर्मूला क्या होता है एन बाई 2 और होता है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, यहाँ देखिए एस 51 निकालना, एन 51 यही तो एन का मान है ना 51 बट्टा 2, क्योंकि यहाँ होता है एस एन, तो एस तो है एन की जगह 51 है, ठीक है। और यहाँ 2a का मान हो जाएगा 10 प्लस
51 माइनस 1 और डी का मान हो गया आपका 4, 51 बट्टा 2, 10 दूना कितना होता है 20 होता है, और प्लस 51 में से एक जाएगा तो 50, और 50 में 4 से गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 200, ठीक है। यहाँ देखिए 51 बट्टा 2, 200 और 20 कितना हो जाएगा 220, यहाँ ब्रैकेट हटता है तो गुणा रहता है, कटाइएगा तो हो जाएगा ये 110। अभी दोनों को गुणा कर लीजिए, 51 गुणे 110 गुणा कीजिएगा तो नंबर में नंबर से कीजिए, 11 एकम 11 के एक हाथ में एक, 11 पचे 55 और एक 56, एगो जीरो बचा है, इतना आपका निकल गया एस 51 बराबर 56 10, यही आपका निकालना था, 51 पद का योग निकालना था, निकल गया। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और बिना देर के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, एगो एपी दिया है माने लाइन से सजा हुआ कोई नंबर है, एकदम लाइन से सजा है, और उस एपी में 7 वो को जोड़े हैं, कहो को शुरू से लेकर 7 वो को जोड़े हैं तो 49 है, समझ में है, 7 वो को जोड़े तो 49, और अगर 17 वो को जोड़ रहे हैं एक से लेकर 17 तक पूरा जोड़ दे रहे हैं तो 289 आ रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि लास्ट में जितना दूर तक एपी सजाया गया है वो नहीं पता है, नहीं पता है इसीलिए एन बोलते हैं, उस लास्ट तक को जोड़ोगे तो क्या होगा, मतलब यहाँ बोला है कि प्रथम 7 पद का योग, योग बोले तो एस, जैसे योग आए एस लिखेगा, कोगो का तो 7 होगा तो 7 हो जाएगा 49, उसके बाद से 17 को जोड़ना है, एस 17 कितना है, एस 17 दिया है 289, अब बोल रहा है इन पदों का योग, योग कीजिए, योग बोलेगा तो एस कोगो का एन को तो एन हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो दिया है बताए थे उसी का फॉर्मूला लगाते हैं, एस 7 बराबर 49 दिया है तो यहां एस एन का फॉर्मूला लगाइए, क्या लगाइएगा, एस एन बराबर होता है ए प्लस, पहले एन बाई टू लिख दीजिए, ऐसे लिखिए 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे एस 7, एन का मान 7 है देख लीजिए, और यहाँ पे हो जाएगा 7 बाई टू 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, एस 7 कितना दिया है 49 बराबर 7 बाई 2, ये कुछ नहीं दिया है, 7 में से एक जाएगा 6, 6 में डी से गुणा कीजिएगा तो 6d हो जाएगा, ये कटाइएगा तो 749 तिरछा तिरछी गुणा, ऊपर ऊपर कट जाता है, ये भी ऊपर है ये भी ऊपर है, ये ऊपर कैसे है क्योंकि इसके नीचे एक छिपा है, तिरछा तिरछी गुणा कीजिएगा तो 7 × 14, नीचे एक लिखना है लिखिए, नहीं लिखना है छोड़ दीजिए, यहाँ बचा 2a प्लस 6d, ठीक है। ये दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, देखिए तो 2 का पहाड़ा मिल रहा है, तो जब 2 बाहर निकल गया तो a बचा, और 2 के पहाड़ा कब बार में तो 3 बार में 6 आता है, 2 × 7 = 14, 7 बराबर हो जाएगा a प्लस 3d, समीकरण 1 बन गया, ठीक। इससे समीकरण 1 बना तो इससे क्या बनेगा, 2 बनेगा, कैसे, तो sn का फॉर्मूला इसके लिए भी लगाइए, sn बराबर क्या होता है n बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एस एन का वैल्यू 17 इस बार है तो ये हो जाएगा 17/2 2a प्लस 17 − 1, और डी का मान कितना है, यहाँ डी का मान भी नहीं दिया है छोड़ दो, एस 17 का मान है 289, इतना जरूर समझ में आ रहा होगा, ये 17/2 2a प्लस 17 में से एक जाएगा तो 16d हो जाएगा, ये 17 से कटाइए कितना बार में कटेगा, तो एक देखिए 17 × 17 28 गो था, 17 गो कट गया तो कितना बचा, जब 28 गो है और 17 गो निकाल दिए तो कितना 11 बचा, और 11 बचा तो 11 यहाँ पे जाएगा तो ये हो जाएगा 119, 9 है तो कितना हो जाएगा 11 बच गया 119, अब यहाँ पे कटाइएगा तो कितना बना 17 × 25 = 17 × 6 = 102 17 × 7 = 119 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अब इधर बच गया आपका 17 × 17 = 34, डायरेक्ट लिख सकते हैं 34, क्योंकि बीच में इक्वल टू तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, और इधर बच गया 2a प्लस 16d, ये हो जाएगा 34 बराबर, दोनों में 2 कॉमन मिल रहा है निकाल लो तो a प्लस 8d, कटाइएगा तो हो जाएगा 17, ये हो जाएगा आपका 17, और इधर हो गया आपका a प्लस 8d, समीकरण 2। क्यों हम ये सब कर रहे हैं पता है, क्योंकि जब हम sn निकालेंगे ना तो फॉर्मूला में ना हमको a पता है ना d पता है, इससे a और d निकल जाएगा, समीकरण 1 में से 2 को घटा दीजिए सब हिसाब किताब हो जाएगा, समीकरण 1 में से 2 को
क्या करने पर, घटाने पर। घटाइएगा कैसे, लिखिए 7 बराबर ए प्लस 3d, इधर है 17 बराबर ए प्लस 8d। घटाइए इसको, 17 में से ये घटेगा तो सिंबल है उल्टे ना घट रहा है, तो माइनस में 10, ये खत्म हो गया ए में से ए जाएगा, तो 8 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा माइनस में आपका हो जाएगा 5d। माइनस से माइनस कर 5 × 2 = 10, डी बराबर कितना आ गया 2, डी बराबर 2 आ गया ना, डी का मान किसी में ले जाके भर दीजिए, डी का मान समीकरण 1 में भरो, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 यहाँ दिया है 7 बराबर ए प्लस 3d, 7 बराबर ए प्लस 3d का मान 2, 7 बराबर ए प्लस 3 × 2 = 6, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ए, ए बराबर यहाँ आ गया 1। अब ए बराबर आ गया 1, डी बराबर आ गया 2, और निकालना है क्या एस एन, तो फॉर्मूला भर दीजिएगा कौन सा, एस एन का, एस एन बराबर जो होता है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एस एन निकालना है, एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाई 2, इसके बाद होता है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सब यहाँ देखिए n नहीं दिया, n बाई 2, 2 a का वैल्यू, a का वैल्यू कितना है 1 है, अब प्लस यहाँ पे n माइनस 1, और d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू 2 है। यहाँ देखिए n बाई 2, 2 एकम 2 और प्लस ये हो जाएगा 2n और माइनस में 2, 2 से 2 यानी खत्म हो गया, n बाई 2 कितना बचा 2n, 2 से 2 खत्म बच गया n, और इधर भी एगो बचा n, n और n गुणा करने पर होता है n स्क्वायर, यानी कि sn बराबर आ गया n स्क्वायर, इतना ही आपका आंसर दिया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, तो बिना देर के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आप कई बार देखे होंगे, अपने पेपर खोलिएगा, जैसे आप देखिएगा an बराबर 3 + 4n, तो कहेगा बाप रे बस क्वेश्चन छोड़ते हैं अगला बनाते हैं, नहीं, ऐसा नॉलेज हो जाना चाहिए, इतना मैथमेटिक्स पर आपका पकड़ हो जाना चाहिए, जैसे ही मैथमेटिक्स आपका क्लियर होगा इसका ऑब्जेक्टिव सीरीज जो चलेगा बहुत ही जबरदस्त चलने वाला है। देखिए यहां क्वेश्चन इस हम लोग शुरू से क्या पढ़ते आ रहे हैं, इधर से पढ़ रहे हैं, इस बार हम लोग यहां से पढ़ेंगे समझने के लिए। क्या कह रहा है, यदि an नीचे दिए हुए परिभाषित है, नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, कह रहा है कि an अगर इस तरह दे दे, an बराबर यहां दे दिया गया है, n दिया है आपको, नहीं ना, इसीलिए n यहां भी छोड़ दिया है, n बराबर इतना दिया है, अब कह क्या रहा है कि इसको एपी में सजाइए। अब बताइए कि एपी में कैसे सजाया जाता है, पहला वाला नंबर पता होना चाहिए, फिर दूसरा वाला कुछ पता होना चाहिए, फिर तीसरा वाला, उसको एपी कहते हैं ना, अब कह रहा है कि इसी में भरिए, और इसी को क्या करना है, नीचे दिया गया है an, an दिया गया है, तो आगे कह रहा है दर्शाइए कि a1, a1 क्या बोला है, a1, a2, A3, आ तब ऐसे करते करते an है, समझ में आया, मैंने पहला वाला a का मान यहाँ पे देखिएगा, n का मान 1, उसके बाद n का मान 2, उसके बाद n a ठीक है, n का मान कितना है, n के जगह ये पे 3 है, ऐसे करते करते बहुत दूर गया है, तब जाके क्या निकला है an, आ an यहाँ दे दिया है, ठीक है, कितना दे दिया है एक नंबर में, an बराबर दे दिया है आपको 3 + 4n, आप बताइए ये एगो एपी है कि नहीं, एक एपी है कि नहीं, क्योंकि सजा है। अगर बताइए ए, एन का वैल्यू 1 भरिएगा, क्या भरिएगा 1, ये एन का ना वैल्यू है, तो फॉर्मूला क्या होगा, 1 a1 भरिएगा तो ये हो जाएगा 3 + 4 × n का मान 1, तो हो जाएगा 3 × 4 = 4, 4 × 3 = 7 हो गया, a1 कितना हो गया, a1 बराबर 7। आप बताइए एपी तैयार करने के लिए बोला था a1 कितना हो गया, 7 हो गया, लाइन से सजा दिया है, देख लीजिए यही एपी है, कह रहा है यहाँ पे 1 है 2 है, ऐसे करके an है, an का मान दे दिया है, तो जब 1 भरिएगा यहाँ पे 1 दिया है, फिर क्या भरना है, a2 निकालना है, एपी ए हो गया, a1 का मान, a2, a, n का मान कितना है 2 है, तो जहाँ n का मान होगा वहाँ क्या भरेगा 2 × यहाँ देखिए फॉर्मूला यही ना, 3 × 4 × 2, ये हो जाएगा 3 + है प्लस 4, 4 × 2 = 8, 8 × 3 कितना होता है 11, a2 कितना हो गया 11, यहाँ डाल दीजिए कितना 11, यानी कि आपको यहाँ पे
एन का वैल्यू बदलते जाना है। एपी आपको दे दिया है लेकिन ओरिजिनल एपी नहीं दिया है, नंबर में एपी चाहिए। अब बताइए ए आई किसका मान है, एन का मान है, तो इसका फॉर्मूला क्या दिया है, इसी में भरना है। ए एन बराबर थ्री प्लस फोर एन में, इस बार थ्री नंबर लाना है तो थ्री भरिए। ए थ्री क्या होता है, तीन प्लस फोर इंटू थ्री, चार तिहाई बारह, थ्री प्लस कितना हो जाएगा, बारह तीन पंद्रह हो गया, यानी कि सात हुआ ग्यारह हुआ तो फिर एपी में क्या होगा, पंद्रह होगा, यानी एक एपी तैयार हुआ। ऐसे डॉट डॉट कर लीजिए, इधर हम एपी नीचे लिखते हैं। एपी बराबर आया था तीन, सात से आया था, सात ग्यारह पंद्रह, ठीक है, ऐसे डॉट डॉट डाल दीजिए, एगो एपी इसका निकल गया। ठीक, पहला क्वेश्चन का एपी ये हुआ। अब क्या बोला है लास्ट में, साथ ही अगर आपको एपी निकल गया तो कह रहा है इसका 15 पदों का योग निकालिए। एक नंबर है, दो नंबर है, तीन नंबर है, ऐसे करते करते कौन गो पद है, 15 गो है, तो 15 पदों का योग जैसे ही बोला है यानी एस 15 बराबर ये वाला निकालना है। ठीक है, तो एस एन का फॉर्मूला लगा दीजिए, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस, यहाँ देखिए टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, एस 15 गो को जोड़ना है तो हो जाएगा 15/2 इंटू टू, ए का मान कितना है सात, प्लस 15 माइनस वन और डी, जब ये घटाइएगा तो 11 में से सात जाएगा तो हो जाएगा आपका चार, इसी को कहते हैं डी। यहाँ देखिए एस 15 बराबर यदि 15/2 इंटू सात दूना 14 प्लस 14 में से एक जाएगा, 15 में से एक जाएगा 14, 14 चौका 56, 56 हो गया, 15/2 और ये 6 4 10 के जीरो हाथ में 5 6 1 7 कटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा 35, 15 5 75 के 5 हाथ में 7, 15 3 45 45 और 7 45 5 50 2 52 525 आपका पहला का आंसर हो गया। ठीक है, सेम टू सेम ये भी वैसे ही बनाना है, कैसे आपको दे दिया है A1 A2 A3 करते करते कहाँ तक AN, AN का फॉर्मूला ये दे दिया है, कह रहा है एक बार N का मान एक रखिए, एक बार जिस तरह यहाँ पे क्या रखे थे एक, इसके बाद क्या रखे थे दो, तो एक बार रखे थे तो हमारा ए बराबर ये मिला था, दूसरी बार में क्या मिला था 11 मिला था, तीसरी बार में क्या मिला था 15 मिला था, इसी को हम सजा के यहां लिख दिए 7 11 15। अब बाद में क्या निकालिए, एस एन निकालिए, क्योंकि योग बोला था 15 गो का, दो नंबर में भी 15 गो का योग निकालना है। तो आपके लिए ये क्वेश्चन रहेगा, आप इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा कि कितना होगा, भूलिएगा मत क्योंकि एग्जाम आपका है, मजाक बनाइएगा जिंदगी मजाक बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए बाबू आपसे कह रहे हैं 3 महीना प्लीज सीरियस हो जाइए और जितना बोला जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग काम कीजिए, आपका रिजल्ट जबरदस्त आएगा। जब इसका रिविजन होगा ना, ऐसा ऐसा ट्रिक आपको मिलेगा जो मैथमेटिक्स में आपने कभी नहीं देखा होगा। उम्मीद करते हैं कि 10 नंबर आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, पूरे लेयर को कंप्लीट करेंगे जबरदस्त तरीका से, मिलेंगे अगले वीडियो में, बने रहिए ज्ञापन एकेडमी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।